हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित जैन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आज के मार्केट में, जहां पर मार्केट ओपन होते ही हमने करीब 150-160 पॉइंट से ज़्यादा का एक फॉल देखा, जो कि मार्केट ने एक लो बनाया था 15,607। उसके बाद मार्केट ने एक वी शेप रिकवरी लिया, 15,600 के बाद वो 740 तक गया। उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ने फिर एक स्पाइक मूव लिया एंड देन उसके बाद फिर कुछ अप मूव लिया। तो आज की मार्केट में हमारे इंट्राडे शॉर्ट स्ट्रेडल के एल्गो ने किस तरह से परफॉर्म किया है, हम वो देखेंगे। हम देखेंगे कि उसने किस किस टाइम पे किस तरह से क्या ट्रेड्स लिए हैं, कब एंट्री किया है, कब एग्जिट किया है, या कब पोजिशन को री इनिशिएट किया या पोजिशन को एडजस्ट किया है। तो जितने भी सब वो ट्रेड्स हैं वो सब फुल्ली ऑटोमेटिक ट्रेड हुए, उसके अंदर हमारा मैन्युअली कोई इंटरफेरेंस नहीं है, सिवाय हम उसके अंदर अपने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स को डिफाइन करते हैं। बाकी जितना भी वो सॉफ्टवेयर दिन में ट्रेड करता है वो फुल्ली ऑटोमेटेड मोड पे करता है। सो पहले हम एक बार चार्ट्स पे देखते हैं कि कहां पर हमारी एंट्री हुई थी अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड उसके बाद कहां पर हमें कोई एग्जिट मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू रूल्स हमारी पहली एंट्री 9:30 पे होती है। तो मैंने 9:27 का कैंडल निफ्टी के अंदर सेलेक्ट किया है, जिसमें अंडरलाइन का क्लोजिंग प्राइस 15663 दिखा रहा है। तो हमारा अंडरलाइन के बेसिस पे एटीएम स्ट्राइक्स हमारे बन जाएंगे 15,650 के। तो मैंने 9:27 के कैंडल को यहां फीड करके 15,650 के कॉल एंड पुट्स को यहां पर डिफाइन किया है। सो उसके बाद हमारे पास ये नीचे जो रेड लाइन है ये हमारी एक लोअर रेंज बनती है, और ये जो ग्रीन लाइन हमारे पास बन के आती है ये हमारी एक अपर रेंज बन के आती है। सो 9:30 पर स्ट्रेडल की जो यहां पर वैल्यू दिखा रहा है वो अबाउट 194 पॉइंट्स की यहां पर दिखा रहा है। तो अब हम अपने एल्गो सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं कि वहां पर उसने ये ट्रेड किस तरह से लिया। सो ये हमारा एल्गो के थ्रू लिए हुए सभी ट्रेड्स का एक ट्रेड लॉग है, तो हम उसको एक बार देखते हैं। तो मॉर्निंग में 9:30 के आसपास उसने यहां पर ये 15650 कॉल एंड 15650 पुट्स के अंदर एंट्री लिया, जिसका एग्जीक्यूशन प्राइस था पुट्स का 109.85 एंड कॉल का 95। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो 109.85 प्लस 95 विच कम्स टू 204.85। एंड चार्ट्स पर गाइस क्या दिखा रहा था, ये 194, दिस विच मींस मोर देन 10 पॉइंट्स ऑफ पॉजिटिव स्लिपेज। तो आज हमें निफ्टी के अंदर 10 पॉइंट से ज्यादा का पॉजिटिव स्लिपेज मिला एंट्री के टाइम पर ही। सो यहां से हमारा ट्रेड एंट्री हुआ। फिर उसके बाद हम अपने लॉग में चलते हैं। उसके बाद यहां पर मैंने कुछ 9:36 के आसपास टू लॉट्स में प्रॉफिट बुकिंग किया, जो कि 11 या 12 पॉइंट्स के समथिंग अराउंड था। ये पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग है, हमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के वहां पर लेवल्स डिफाइन करने पड़ते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये सॉफ्टवेयर जब भी वो लेवल मार्केट के अंदर आएगा वो ऑटोमेटिकली आपका पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेगा। तो आपको डिफाइन करना होता है कि कितने लॉट्स आपने कितने पॉइंट पर बुक करने होते हैं। सो मैंने यहां डिफाइन किया हुआ था कि 12 पॉइंट के अराउंड टू लॉट्स को बुक करने का, तो वहां पे उसने ये बुक किया। फिर उसके बाद उसने दो लॉट्स उसने 949 के अराउंड, ये 106 एंड 82, तो अबाउट 188, तो ये टोटल हो गया 204 माइनस 188, तो करीब 16 पॉइंट्स का प्रॉफिट इसने दो लॉट में यहां पर बुक किया। और हमारा जो रेंज था अपर रेंज वो 954 के कैंडल पे जाकर ब्रेक हुआ। तो अभी 949 तक मैं यहां पर अपना मेजर पोर्शन अपना यहां पर बुक कर चुका था। देन उसके बाद 954 की कैंडल, यहां पे 956 समथिंग दिखा रहा है, तो 956 की कैंडल पे अपर रेंज हिट होती है। तो अपर रेंज के हिट होते ही इसने जो पेंडिंग लॉट था उसको भी यहां पर इसने बुक किया, 115 प्लस 71, तो 186 के आसपास ही उसने उसको भी बुक कर लिया। अगले कैंडल पे उसने री एंट्री किया 15,700 के कॉल एंड पुट्स के अंदर। तो हम एक बार चार्ट पे चलते हैं। यहां पर 954 पर निफ्टी का अंडरलाइंग प्राइस दिखा रहा है 15707। तो यहां पर हम इसको पैरामीटर्स में फीड कर लेते हैं। 954 की कैंडल के ऊपर
15,700. सो अगेन हमें यहां पर एंट्री मिलती है 15,700 के स्ट्रेडल पे 181 पॉइंट्स के नियर अबाउट, एंड हमारी अपर रेंज कुछ यहां पर बन के आती है 15,766 के आसपास, एंड लोअर रेंज 646 के आसपास. तो यहां पर उसने उसके अंदर एंट्री किया. फिर उसके बाद मैंने यहां पर 1133 के आसपास मैंने फिर दोबारा से कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक किया. उसके बाद हमारा अपर रेंज किस टाइम हिट होता है 121 के आसपास की कैंडल पे, 124 सॉरी. सो यहां पर मैं अपने दो लॉट्स बुक कर चुका था. जैसे ही वहां पे हमारे चार्ट पे स्पाइक आता है, बाकी के बचे हुए लॉट्स में यहां पर ये बाकी बची पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देता है, राइट. तो हम फिर एक बार चार्ट पे चलते हैं. इस कैंडल के ऊपर उसने अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया, और उसके बाद इस कैंडल के क्लोजिंग के बेसिस पर वो दोबारा से फ्रेश री एंट्री करता है. तो हम यहां पर निफ्टी का अंडरलाइंग प्राइस है 781, तो हमारा अंडरलाइंग का एटीएम प्राइस बन जाएगा 15,800. तो मैं यहां पर टाइम सेलेक्ट कर देता हूं 13:21:00 एंड 15,800 कॉल एंड 15,800 पुट. ओके, तो मैं यहां पर इसका मैंने यहां पे 13:21 यहां पर ये टाइम फीड कर दिया, और 15,800 के कॉल एंड 15,800 के पुट्स को यहां पर फीड कर दिया. तो उसके बेसिस पे हमारी अपर और लोअर रेंज निकल के आ गई. तो यहां पर हम अपने एल्गो पर चलकर देखते हैं. उसने 15,800 के कॉल एंड 15,800 के पुट्स में यहां पर दोबारा से री एंट्री किया. उसके बाद आई डोंट नो इसने सॉफ्टवेयर ने जो नीचे के कुछ कॉलम्स को रीप्रिंट किया, रीट्रेड नहीं किया, रीप्रिंट कर दिया. मे बी कुछ किसी वजह से किया होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं 44.6 44.6 44.6 44.6 137.75 75 75, यहां भी सेम है. तो उसने तीन बार आज इसने ये प्रिंट कर दिया. ये ट्रेड नहीं है, लेकिन उसने यहां पर प्रिंट कर दिया. आई डोंट नो कैसे किया उसने ये. सो पहले यहां पर किया एक दो एंड ये थ्री टाइम्स उसने यहां पर किया. एनीवेज, तो यहां पर उसने अपने 15,800 के स्ट्रेडल में नई से री एंट्री लिया. फिर उसके बाद यहां पर मैंने कुछ दोबारा से पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग किया 240 के अराउंड पे, दो लॉट्स के अंदर. एंड देन उसके बाद 259 यानी समथिंग के अराउंड, कितना टाइम होता है ये 259 तीन बजे के आसपास उसने सारी पोजिशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया. तो ये तो हमारे निफ्टी के ट्रेड थे. एक बार हम बैंक निफ्टी के ट्रेड को भी देखते हैं. सो बैंक निफ्टी में 927 का कैंडल मैंने सेलेक्ट किया है. उस टाइम पे अंडरलाइन का प्राइस है 34,566. तो हमारा एटीएम स्ट्रेडल बनेगा 34,600. तो हमने यहां पर ये फीड किया हुआ 927 का टाइम एंड 34,600 के कॉल एंड पुट्स को. सो यहां पर 34,600 का स्ट्रेडल का प्रीमियम यहां पर दिखा रहा है 729, राइट. अब हम अपने एल्गो पर जाकर देखते हैं वहां पर उसने किस प्राइस पे इसको एग्जीक्यूट किया था. फोर फोर्टी फाइव प्लस 336.7 445 पे पुट्स एंड 336.7 पे उसने पुट, तो विच कम्स टू 781. और चार्ट्स पर शो कर रहा है ऑलमोस्ट 730. तो यहां पर मेरे को करीब करीब 50 पॉइंट्स का पॉजिटिव स्लिपेज बैंक निफ्टी में मिला था. तो एट टाइम्स क्या होता है, सॉफ्टवेयर जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कई बार नेगेटिव स्लिपेज मिलते हैं, बट एट टाइम्स आपको पॉजिटिव स्लिपेज भी मिलते हैं. सो यहां पर मैंने इसके अंदर एंट्री किया. जो हमारा ये ग्रीन लाइन है वो अपर रेंज बन गया था, ये रेड लाइन लोअर रेंज बन गया. उसके बाद मैंने इसके अंदर कुछ डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की.
जैसे कि 9:35 के अराउंड मैंने कुछ दो लॉट्स यहाँ पर ये बुक कर लिए, एंड उसके बाद 9:39 के अराउंड दो लॉट और बुक किए थे, एंड उसके बाद 9:57 के अराउंड जो मेरा बाकी का एक लॉट बचा था मैंने यहाँ पर ये भी बुक कर लिया था। ये मेरे कुछ अकाउंट्स में से एक अकाउंट है, एंड इस 9:57 के बाद मैंने बैंक निफ्टी के इंस्टेंस को स्टॉप कर दिया था और निफ्टी के इंस्टेंस को मैंने रन पे छोड़ दिया था। तो उसके बाद 9:57 के बाद बैंक निफ्टी के अंदर मैंने इस सिस्टम ने एल्गो ने कोई भी ट्रेड नहीं लिया, लेकिन अगर मैंने इसको ऑफ नहीं किया होता तो आज का दिन और भी अच्छा जाता। सो आज के दिन में टोटल प्रॉफिट यहाँ पर शो कर रहा है 23,000 समथिंग का, जो कि अबाउट इस अकाउंट के कैपिटल का 1.5% है। सो आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारे एल्गो ने किस तरह से सिस्टमैटिकली अपने अपने टाइम जोन्स के अकॉर्डिंग, प्री डिफाइंड रूल्स के अकॉर्डिंग किस तरह से एंट्री किया, एंड किस तरह से उसने अपने लेवल्स को रेस्पेक्ट करके पोजीशंस को एग्जिट किया, री एंट्री किया, सब चीज फुल्ली ऑटोमेटेड वे में हुआ है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।